Hi everyone, how are you? Welcome to the next class, interrogatives and tenses. Present tense for passive voice are part 1 of 4, indefinites, number 3 for interrogatives and tenses. इसके लिए method formula है हमारे पास. सबसे पहले interrogatives and tenses, सवालिया जुमले जो होते हैं passive voice के लिए, उनमें सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड आते हैं, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, और उसके बाद इस, एम, आर में से कोई एक आता है जुमले के मुताबिक. उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, मफूल यानी जिस पर काम किया जाता है. फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और फिर क्वेश्चन मार्क आते हैं. तो फार्मूले के मुताबिक काम किया करें, बगैर फार्मूले के आपको इंग्लिश करने का कोई फ़ायदा नहीं है. अब कर लेते हैं जुमले. गरीब आदमी को धक्के क्यों दिए जाते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं. व्हाई इज अ पुअर मैन पुश्ड अवे. गरीब आदमी को धक्के क्यों दिए जाते हैं, वाई इज अ पुअर मैन पुश्ड अवे. और नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, ऐसी अफवाहें क्यों फैलाई जाती हैं. वाई आर सच र्यूमर्स आर यू एम ओ यू आर एस वाई आर सच र्यूमर्स स्प्रेड. ऐसी अफवाहें क्यों फैलाई जाती हैं, Why are such rumors spread? और हम फार्मूले के मुताबिक भी देखना चाहते हैं, अगर देखना चाहें तो, क्या हमने फार्मूले के मुताबिक किया है. ये क्वेश्चनिंग वर्ड आ गया, ये इज आ गया, और फिर पुअर मैन ऑब्जेक्ट आ गया. वर्ब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पुश्ड अवे और क्वेश्चन मार्क ये लग गया. तो सब चीज़ें फार्मूले के मुताबिक आ गई, लिहाजा हमारा सेंटेंस ठीक है. तो इसके बाद यहाँ इज आया, यहाँ पे आर आया, क्योंकि ये र्यूमर्स हैं, प्लूरल हैं, एक से ज़्यादा हैं, इसलिए आर लगेगा. ये इस अपवर मैन एक आदमी, उसके लिए इज लगेगा, ज़्यादा हो तो आर लगेगा. फिर इसके बाद क्या भूखे आदमी को खाना खिलाया जाता है. अब देखें कि जब क्यों, कहाँ वगैरह नहीं होता तो वो क्वेश्चनिंग वर्ड नहीं होता, फिर इस लग जाएगा. ऐसी सिचुएशन में, ऐसे सेंटेंस की सिचुएशन में यहाँ पे इस लगेगा, इस से स्टार्ट करेंगे. तो इसको ओमिट कर दें, इसको भूल जाएं, और यहाँ से बाकी फार्मूला वैसे ही. Is a hungry is a hungry man fed. Is a hungry man fat? क्या भूखे आदमी को खाना खिलाया जाता है. Is a hungry man fat? तो I hope you understand. These are all easy Urdu sentences and English sentences. We come up with variety of sentences
आपके लिए नए नए सेंटेंसेस लेके आते हैं ताकि आपको मुख्तलिफ सिचुएशन में बात करनी, लिखनी और कहनी आ जाए। तो अगर आप हमारी वीडियोस को मज़ीद देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक किया करें और उसको साथ में सब्सक्राइब भी करें ताकि इस तरह की वीडियोस, इस तरह की क्लासेस आप और देख सकें।